भुवनेश्वर राजधानी में खराब भोजन खाने से 20 यात्री बीमार। जड़ी पटका में हर्षालोस के साथ मनाई झूलेलाल की जयंती। राम निर्माण के लिए मोहन भागवत ने जपा राम का नाम। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली 7 अप्रैल को दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी में सवार करीब 20 यात्री को खराब खाना परोसा गया था। इसी दौरान वह बीमार हो गए थे। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि गोवा स्टेशन के डॉक्टरों ने उन्हें देखा है। फिलहाल अब सबकी हालत ठीक है। बोकारो के एक डॉक्टर ने भी यात्रियों की जांच की। एक इतिहास के तौर पर डॉक्टर ट्रेन में मौजूद थे। यात्रियों पर ध्यान दिया जा रहा है। नागपुर शहर में शनिवार को झूलेलाल जयंती हर्षालोस से मनाई गई। विदर्भ सिद्धि विकास परिषद और जरीपटका से साई चांदूराम साई मुक्ति धाम के संयुक्त तत्वाध्यान में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुकवानी और अध्यक्षता में वरुण देवता को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर विधिवत पूजा अर्चना की गई थी। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने बताया कि मनपाक में पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विकी कुकरेज अतिथि उपस्थित थे। नागपुर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा लोकसभा चुनाव 2019 से पहले एक बार फिर चर्चा में आने लगा है। इस क्रम में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने शनिवार को हिंदू नववर्ष के शुरू होने के मौके पर देश में राम नाम का जाप कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। कहा नागपुर में भी इस कार्यक्रम को सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी राम नाम का जाप किया। यह कार्यक्रम हनुमान मंदिर में हुआ था। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।